इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 26 जुलाई के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 2005 में मुंबई में अभूतपूर्व बारिश से जनजीवन ठप हो गया था। लोग कई दिनों तक अपने घरों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों और रेलवे स्टेशनों पर फंसे रहे। इस दौरान 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। देश दुनिया के इतिहास में 26 जुलाई की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। भारत के प्रमुख शिक्षाविद गुरुदास बनर्जी का जन्म आज ही के दिन 1844 में हुआ था। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलितों के हितैषी छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म आज ही के दिन 1874 में हुआ था। आज ही के दिन 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1945 में आज ही के दिन विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आज ही के दिन 1951 में नीदरलैंड ने जर्मनी के साथ युद्ध खत्म किया था। 1953 में आज ही के दिन कम्युनिस्ट क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा की क्रांति की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 1956 में मिस्र ने स्वेज नहर पर कब्जा किया था। 1965 में आज ही के दिन मालदीव को ब्रिटेन के कब्जे से स्वतंत्रता मिली थी। आज ही के दिन 1974 में फ्रांस ने मुरुओरा द्वीप में परमाणु परीक्षण किया था। 1997 में आज ही के दिन श्रीलंका ने भारत को हराकर क्रिकेट एशिया कप जीता था। आज ही के दिन 1998 में महानतम महिला एथलीट जैकी नायर करसी ने एथलेटिक्स से संन्यास लिया था। 1999 में आज ही के दिन भारत ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय पाई थी। ये युद्ध 3 मई 1999 की पाकिस्तानी घुसपैठ से लेकर 26 जुलाई 1999 को भारत के विजय दिवस तक करीब 84 दिन चला था। आज ही के दिन 2002 में इंडोनेशिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति सुहातो के पुत्र को 15 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। 2005 में आज ही के दिन मुंबई में अभूतपूर्व बरसात से जनजीवन ठप हो गया था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। आज ही के दिन 2005 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शटल डिस्कवरी यान का प्रक्षेपण किया था। 2004 में आज ही के दिन ईरान के विदेश मंत्री कमल करजई ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ गैस पाइपलाइन के प्रस्ताव पर वार्ता की थी। आज ही के दिन 2007 में पाकिस्तान ने परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल बाबर हत्प 7 का सफल परीक्षण किया था। 2008 में आज ही के दिन यूरोपीय वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर एक और नए ग्रह की खोज की थी। आज ही के दिन 2008 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक के बाद एक 21 धमाके हुए थे, जिसमें 56 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। 2012 में आज ही के दिन सीरिया में हिंसक घटनाओं में एक दिन में करीब 200 लोगों की जान चली गई थी। आज ही के दिन 2013 में पाकिस्तान के परा चिनार में हुए बम विस्फोट में 57 लोगों की जान चली गई थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।